ओम राधेभ्यो व्रातवती वैष्णवो नमो नमः गृहीतेभ्यो गृहीतवती वैष्णवो नमो नमः वीरवरेभ्यो विचरोपि वैष्णवो नमो नमः ॐ गजं भद्रगणाधीशविदं कपीतजं भोभज्जारवक्षं ओमाजतं जोगिविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं गजं। हमने सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया है कि हे प्रभु, आप हमारी पूजा के अंदर पधारिए, हम आपका आह्वान करें, यानी आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपका स्मरण किया है। तो हरि ओम गणहनन्द्वा गणपतिवङ्गपामहे गृहणन्द्वा विधिपतिवङ्गपामहे निधिनान्द्वा निधिपतिवङ्गपामहे वशो मम मम जानकपदं माधव जाशीकपदं मह आवयामि स्थापयामि ये पूजयामि। तो हमने गणेश जी भगवान का आह्वान कर दिया और पधार गए, ठीक है। उसके बाद हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो उसको क्या देते हैं भाई, पहले सबसे पहले उसके पैर धोते, पैदल चल के आए करते पहले, अब तो भैया साधन वगैरह बैठ के आने लगे। तो सबसे पहले हमने भगवान के चरण धोने चाहिए, ऐसे बाजू के ऐसे हाथ लगाए, हाथ भी लगाओ। ओम पाद्यम अर्घम, बस आप वही रखो, अर्घम आचमियम स्नानम। भाई हमने आचमन भी कर दिया, स्नान भी करा दिया, सारी चीज करा दी, पैर भी कर। उसके बाद भगवान गणेश जी को क्या देते हैं भाई, यज्ञोपवीत देते हैं, ठीक है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवितं प्रजापते सहितं भूतादे आयुष्मग्रं मुञ्चे स्मरामि यज्ञोपवीतं ब्रह्म स्तुते च यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उसके बाद क्या देते हैं, वस्त्र भगवान ये प्रभु आप ये वस्त्र धारण कीजिए। हाँ भसा भवितुमर्हि शैतधारं भसा भवितुमर्हि शैतधारं वस्त्रान्ते उस्त्रान्ते समर्पयामि। उसके बाद मिष्टान देते हैं, ओम नाभ्य आश्रितान्तरिकांशुस्ताग्रेपद्राम भूमि दिशा तथा लोकान् विकृपिन्ने विविधान्ते समर्पयामि। अक्षत अभावान्ते शामकानि समर्पयामि। तिलकम कुर्यात् ओम सुश्रेष्ठम चंद्रम प्रति गृहीतम चंद्रम तिलकम कुर्यात् है। ये उसके बाद में क्या होता है, भगवान गणेश जी का भाई अब हमारे पास सुगंधित द्रव्य नहीं है तो शुद्ध जल से स्नान कराओ। ओम त्र्यंबकम निजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम रूपे बदनाथ मूर्ति मोक्षे मामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। ये भगवान के सुगंधित द्रव्य होते हैं। उसके बाद हम क्या देते हैं भाई, हम तो जी भोजन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं भाई, सौंफ वगैरह चबा लेते हैं, कई पान के शौकीन होते हैं, तो प्रभु को पान की बजाय लौंग इलायची समर्पित करते हैं। पुंगी वरम महरम तमूलम प्रति गृहतम है पुंगी व्रत समर्पयामि। उसके बाद मान लीजिए आप भाई कोई मेहमान आ गया अपने, हम उसने आपका दक्षिणा दे दिया, मान लिया 10-5 रुपया उसने बटी हुई और उसने दे दिया ना, तो नाराज नहीं हो जाए। मान लिया धाम जाओ ससुराल में, तेरी खूब सेवा जाते हैं, 10 को नहीं दे रहा आप, भगवान गणेश जी को दक्षिणा अर्पण करो। ओम हिरण्यताग्रे भूत जातपति रे के सत धारा विखा विधि हाथ लगा लो, इसी दक्षिणा को दक्षिणा भाई भाई की चीज में तो साधु सब बोल रहे। ओम ब्रह्मानं शिशनेतम अष्टनेत्रं चतुर्भुजं गायत्रीशितं दिं ब्रह्मानं आवाह्याम्यहम्। ओम ब्रह्म जानां प्रथमं भूतात् विषमतया सुचवीना वैशवधन्या उपमासविष्टशतशून्यः केशवं पुनरिकाक्षं माध्वं रुक्मिणीशितं विष्णुरराटमसि विष्णुः सर्वदितो विष्णुः सहरसि विष्णुः द्वयसि विष्णुः विष्णुमसि वेतवः। भाई चावलन बंद करो, चावल ही रखो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम ये लो सामग्री, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तुमेव तवमेव माता च पिता तमेव तवमेव बन्धौ च सखा तमेव तवमेव विद्यादृढं तमेव तवमेव शरणं मम देव देव
पाक्रमां पापात्माहं त्राहिमां त्राहिमां प्रभुः त्राहिमां। चावल की बजाय हमने ये चढ़ाने हैं पूजा में आगे, ठीक है। चावल को हाथ में मान ले बोलो, साथ से छुट भी जाए तो उसको ग्रहण मत करो, ठीक है। शांतं कारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदर्शं मेघवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविधाये गम्यं वंदे विष्णुं भैवेहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम। वो पुस्तक ले रहे हो भाई, एकादशी मिल गए इसके अंदर है फोन फोन आ गई। चलो कोई बात नहीं, भगवान की वैसे तो पूजा कर दी कि प्रभु है इसमें। हाँ इसमें है, इनका प्रतिपाल का बाबू वो आज मारी नमक सुनाई थी। ले बकाय कोशन ज्ञान हमने बोल दो मुंह मत बोल दो। एकादशी एकादशी की कहानी आज की, एकादशी की कहानी। आप खुद सुना पर छपी छपाई आओ ना जी, ठीक है। छपी छपाई थी पढ़ी थी कुछ नहीं। एकादशी की कहानी। एक लड़का कोई बात नहीं, एक बार सुन लो। अपने ससुराल एक बार जरूर लेने जा रहा था, यानी कि सुनना भी बहुत। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंचा, उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं ठीक है आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए वह कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है, सामने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं। इन्हें गाय का श्राप लग गया था इससे ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वे गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है, दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पे खर्च करती है, 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है तुम वचन भरो, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी और वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है, जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है,
वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने एक संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। सारा राज्य में ऐलान, राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है। ये कहानी सुननी बहुत जरूरी है संकल्प के अनुसार। देखिए कितनी जबरदस्त है एकादशी का व्रत, बहुत जबरदस्त चीज है। इतनी सुख शांति तो गई है को तीर बस। तो वहां के मिलती है एकादशी तैयार। पार्क में घूम गई थी, बैठी थी जाके ओ मनोज्योतिर्जुक्ता मा जसे वैश्वतीतना वरिष्ठां यज्ञं शमि मन्दधातृण्यां स्थापयामि। नमो नमस्तेश्वरे प्रभाये सुश्वेतेहराये सुमंगलाये स्वपाशहस्ताय सजर्शनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। उदितायामि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ॐ ब्रह्म मुरारे तिर्भ्रांतगारे मानो शशिभो मिशुतो उदस गुरु शिशु कृष्ण निराहो द्वे सर्वे ग्रह शांति ग्राम तु सर्वे ग्रह प्रसन्न ग्रह बंधु ओम सूर्य सूर्य मदेन्दु रोज पद्मी सन्मंगल मंगल साधो हो दिम्बो दोषोदनाम सुख सुगाम शम शनि राहु हुर बलम करो तो शैतान केतुस्कलम उन्नति प्रीति ग्रह तु सर्वे ग्रह अनुकूलम तु सर्वे ग्रह प्रसन्न ग्रह बंधु ओम गौरी पद्मास्मेदा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातृ लोक मातृ ऋष्टि पुष्टि तथा तुष्टि मां गुंदिता पूज्य मातृ सरस मातृ का अभ्याम नमो मैं। ओम नमः स्तुति जय प्रति मनो अंतरिक्ष दिवि दिवि भयो नमः अष्टा नकुलाना के अभ्याम सर्व देवता भयो नमः दिहि दिताय श्री महागणाधिपतये नमः। चढ़ाओ गणेश जी महाराज रक्षा सूत्रम समर्पयामि। रक्षा सूत्र बनाओ ఏడుదావలి రాజా దానవేంద్రం మహల తింత్రనామి రక్ష హిమాచల హనుమాచల బ్రహ్మాకి రక్ష విష్ణుకి రక్ష తేతిస్ కోటి దేవతాహుకి రక్ష రక్ష హిమాచల హనుమాచల బ్రహ్మాకి రక్ష విష్ణుకి రక్ష రక్ష హిమాచల హనుమాచల धवली राजा दानवेन्द्र महाबल इंद्र नामी रक्ष हिमाचल हिमाचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा तैतीस कोटि दई देवताओं की रक्षा रक्ष हिमाचल हिमाचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा। धवली राजा दानवेन्द्र महाबल इंद्र नामी रक्ष हिमाचल हिमाचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा। जबरदस्त धवली राजा दानवेन्द्र महाबल इंद्र नामी रक्ष हिमाचल हिमाचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा। धवली राजा दानवेन्द्र महाबल बिजली की गेसी बंद हो गई।
राजा दानवेंद्र महालय नामी रक्षे माचरम मातर ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा ते तेईस कोटि देवी देवताओं की रक्षा रक्षे माचरम मातर है। ये तो धवली राजा दानवेंद्र महावैजयंत नामी रक्षे मातरम मातर ब्रह्मा की रक्षा विष्णु रक्षा दृक्षा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृतश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाशस्तु हरि दिक्कत हो गया है सही है भैया ध्यान ना दे ध्यान ना दे। हरे ओम ऐंद्रवृत स्वाहा श्रुति पूखा विश्व वेदा श्रुतिस्तरक्षने श्रुति नो बृहस्पति ओम शिशुते लक्षी पतन्या बहु रात्रि पार्श्व नक्षता रूपम इस निघाण ओम मई घाण श्लोक मई घाण हरि ओम हरि ओम श्रुतिनेन्द्रवृत स्वाहा श्रुतिन पूखा विश्व वेदा श्रुतिनस्तारक्षोरिष्टनेमे श्रुतिनोमेश्वत्रधातु ओम शिशुते लक्ष्मी पत्न्या बहु रात्रि पार्श्वनक्षत्राणि रूपम इस निघाण ओम मई घाण श्लोक मई घाण हरि ओम श्रुतिनेन्द्रवृत स्वाहा श्रुतिन पूखा विश्व वेदा श्रुतिनस्तारक्षोरिष्टनेमे श्रुतिनोमेश्वत्रधातु ओम शिशते लक्ष्मी पतन्या बहु रात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपम इस निघाण ओम निघाण श्लोक मई घाण ओम शिशते लक्ष्मी पतन्या बहु रात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपम इस निघाण ओम निघाण श्लोक मई घाण हरि ओम नमो सहते सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षे शिरोभावि सहस्रनाम्ने प्रखाय योगी कुटधारिणे ओम बाबा प्रेम प्रेम महाराजाय देहो नमो नमः श्री गणेश महाराज बाबा प्रेम प्रेम नाम ग्राम देवता शांतं कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविधायगम्यं वंदे विष्णुं भैभैहरणं त्रिलोकैकनाथं वंदे देवमहापतिं सुरगुरु वंदे जगद्गारणं वंदे पनगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनं वदिं वंदे सूर्यशांकरहीन वंदे मुकुंदकेरी वंदे भक्तिविनाशवर्धनं वंदे शिवं शंकरं। अद्वैत बालधाम शैलावदेन अनुकुशानं ज्ञानिनामगणनं सकलगुणनिधानं वर्णवदेशं रघुपतिगिरिभक्तं भक्तजातं नमामि ओं हनुमते नमः।
मैसेज थी आपके पास? यजमान की कामना पूर्ण करने वाले हे अग्निदेव, आप इसे यज्ञ के अंदर रखे और हमारे यजमान के द्वारा दी गई आहुति से सभी देवी देवता संतुष्ट करें और हमारे यजमान की कामना को पूर्ण। बस सारी लायर करते हुए यही करते और कर ओम गं गणपते नमः स्वाहा। ओम रुणी नमः स्वाहा। अंशी नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रुते नमः स्वाहा। ओम धनी चुरे नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसी नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसी नमः स्वाहा। ओम भमाय नमः स्वाहा। ओम उदाय नमः स्वाहा। ओम हृदय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम संसनिचाय नमः स्वाहा। राहिर में स्वाहा। पृथ्वी में स्वाहा। त्रिविग्रह शांति ग्रह दो स्वाहा। ओम भूर्व स्वाह तत्सवित वरिण्य मृग देव से दिन प्रचेत स्वाहा। ओम भूर्व स्वाह तत्सवित वरिण्य मृग देव से दिन प्रचेत स्वाहा। ओम भूर्व स्वाह तत्सवित वरिण्य मृग देव से दिन प्रचेत स्वाहा। ओम भूर्व स्वाह तत्सवित वरिण्य मृग देव से दिन प्रचेत स्वाहा। गर्गलित कपाल कंडले धन बाणे समरत वर नीलो जाति जाति विटुक नाथ सिद्धि साधकानं
ओम चटपाल देता बाबा भीम जय भ्यो नमः स्वाहा। ओम बाबा प्रेम प्रेम महाराजाय 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 स्वाहा। देवे प्रपन्ना हरे प्रसिद्ध नमः तामि श्री देवी चलाओ चरस्य उच्चैन में स्वाहा। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगवतो देवस धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। बाल तो सती पे उतरता हूँ आपको कुल देवता श्याम बाबू शांतम कारम वोचक्षाणम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गणसदर्शनम एकवर्णम सुभानम लक्ष्मीकांतम कमलनम युविधायकम वंदे विष्णुं भैरवैर्णम सर्वलोकैकनाथम। ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा। 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 अदुलित बल धामा हेम शेराव दीनं ज्ञान ज्ञानी नव गणं सकल गुण निधान वागण वदेशम रघुपति प्रीति भक्तां भक्त जातं नमामि। ओम हनुते स्वाहा। 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 बोला का धलो सारा ले बीच में टेकना है खड़े जाओ सारा स्वाहा छोड़ दे धक्का नहीं जो सांगरे लो आप भी लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। पहले सांगरे ये भी पछे वाला काल दो सारे सांगरे रख लो हाथ में चल गई काल दो सारे ओम गर्भोरघोरं गणवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदार्वसन्तं हरदारविन्दे भवं भवामि सदां नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामि जय जगदीश हरे भक्तजनाके संकटदास जनाके अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का समय दुख बिन से मन का सुख संपति हर आए मदन मोहन घर आए कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गौ मैं जिसे गे हो स्वामी शरण गौ किसे गे तुम बने और न दो जा बर्व बने और न दो जा आस करम
जगदीश की हरि ओम। जय जगदीश हरे सम पुराण परमाता माता मयांदरयामे हो शामे तो मयांदरयामे जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो श्याम तुम रक्षा करता मैं मोरा कर कल कामी से भक तुम स्वामी कृपा करो वरता हरि ओम। जगदीश हरे तुम हो एक जबके प्राण बदियो स्वामी जबके प्रश बदे जबत मिलो दया मैं कैसे आओ शरण मैं तुमको मैं कुमती ओम। जगदीश हरे दीन बंधु हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रह सके अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ द्वार परम तेरे हरि ओम। जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्त बढ़ाओ ईश्वर प्रेम बढ़ाओ चंदन हरि सेवा ओम। जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती जा कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी मन भजा स्वामी मन मात्र बल पावे ओम। जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जननाथ हरे भक्त जना के शंकर दास जना के अवगुण हंसी वाला दूर करे हरि ओम। जगदीश बोलो श्यावती रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्यावती रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। बोलो बाबा पिंपरी महाराज की जय हो। बोलो नगर खेड़े की जय हो। हर हर महादेश। विद्यार्थी लोग सभी दोनों हाथों से ऐसे जो यूं आंखों से लाओ सिर से ऊपर की जाए बाला करना बढ़ाने ओम से चते लक्ष्मी पत्नी बहोरा त्रे पार सुनिश्चित्राणी नो कमीशन निखाना मुम्मी खान सुनो कम अल्लाह करो अगला
ओम श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकपतिं भानुप्रतापोदं शम्भोस्ते धनधान्यकीर्तिमतुलं दुर्गारिनान्ता गङ्गाते खलु पापां निषिदं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। बोलो श्री गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी सदा हमारे घर में रिद्धि सिद्धि से विराजमान है और देवता अपने अपने स्थान जुटे जब भी हम बुलाएं आदर खड़े हो जाओ भाई। माता पिता के चरण स्पर्श करो अपने से बड़ों के खाली हाथ नहीं लक्ष्मी कमाओ हो दोनों मेरी हाथ को ना मेरी हाथ को फिर तू ना मोनिका का हाथ में दे भाई मोनिका का टेम तर जल तो दे हां हाथ ही नहीं ये ग्रह लक्ष्मी आ रही है तने तो बस सीधा पैर पैर चुसकाना है आनी हो पान लो का ये तो ट्रांसफर हो गया गौरान भाई समित तेरा तो ब्राइन धन का देखो 50-50 को पूजा है घर में हो से 50 नहीं होती है वह सब के लिए उत्तम किसी के लिए अलग अलग नहीं भगवान सब ने एक सदा बैठा के आशीर्वाद देता है वो तो किस्मत है आगे चल एक बात है स्कूलों मास्टर कितने जोर लगाओ है लगाओ कि नहीं लगा जी बताओ एक ना भी छोटे की कोशिश कर अपनी जान में तो कोशिश पूरी करे अरे बाल के घर ना करे तो की करे महाराज एक बात था हां आओ पढ़ तो ना और गुरुजी राम राम हम फैल करते ना फैल फिर भी फिर अभी और कर दिया हां क्या तेल से भाई क्या करेंगे यार बेचारो एक बार ऋषि धाम में था जी है वो है बता ऋषि धाम में था तो अपना गुरुजी ने बोला वो बेचारा खूब सेवा करता गुरुजी कि गुरुजी दुख पायो यो नाद करे तो सारी सेवा है करा कि आवत को बेचारा भाई दोनों गुरु से गुरु बोले भाई जा तू तो काम धंधे सीख ले भाई गांव में जागा कोई तो सिखाने मिलेगा कारीगरी कि मैं तो कारीगरी सिखाओगे तेने जा जी दुखी पाया गुरु को बस सेवा तो बेचारा दिन रात करे पा दब करे हाथ दब है कोई काम किया जब उठ के बाजदा है सारी सेवा करे
गुरु ने बेचारा ने माँ बाप वही सो दुखी हो जाए गुरु भी। अब ये यो चिल्लो कान को हरियो पड़े दिमाग कौन चले इसको पूछ गया बेचारा चूरू गुना शान में चिल्ला खाते पहले पत्थर जाया करते घर पर तुम वहाँ पर बना के अपन दे दिले बेटा खा लिए आराम है कोई परेशानी आवे चले गए। दोनों गुरु चिल्ला आख्या बनी गुरु तो नहीं सोचा है कि इसको उधार किस तरह हो और चिल्लो नहीं सोचा है गुरु की बिछड़ी किस तरह फिर भी उन धक्का पे लेकर के बेचारा मनु उसकी चाल दियो राम है कुआ को ऊपर बैठी हो पानी खींचो खींच के पानी और अपने रोटी चूरमा था वो खुल जाते खान लग गया खानता खानता का पहले आप रस्सी भी खींचा था उसने तो उसका वो रहता निशान हो रहा था पत्थर पर तो बोलो पत्थर पर निशान हो उसका है तो मेरा दिमाग क्यों नहीं चल उसी जगह थी उल्टो लेगी चोरमा पिंड ने बांध गई ना खाए ना पियो बांध गई वापिस गुड़गल करना है बोलो गुरु जी कुछ भी हो जाए रात दिन ये कर दूंगा मैं जरूर बोलो भाई तेरी यह इच्छा है तो ले दो आ जाए मैं ऋषि धोने का नाम थी प्रसिद्ध है बिल्कुल गुरुओं की कृपा हो जाए।